आज जो ऐलान मैं करने जा रहा हूँ उसका असर केवल दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था नहीं, मैं समझता हूँ कि भविष्य में हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। आज हम लोगों ने दिल्ली की कैबिनेट में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन की अप्रूवल दे दी है। दिल्ली में अलग से अब एक दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया जाएगा। ये कोई मामूली बोर्ड शिक्षा बोर्ड नहीं है, जैसे हर राज्य का अपना एक शिक्षा बोर्ड होता है, तो ऐसा नहीं है कि अब दिल्ली में हमारी सरकार है तो हमने तय किया कि हम भी एक अपना अलग शिक्षा बोर्ड बनाएंगे, ऐसा नहीं है। ये शिक्षा बोर्ड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस शिक्षा बोर्ड के ज़रिए हम क्या हासिल करना चाहते हैं? पूरा देश देख रहा है कि पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। पिछले 6 साल में सबसे पहले हमने ये यात्रा शुरू की कि हमने दिल्ली के बजट का लगभग 25% हर वर्ष बजट का 25% पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च करना चालू कर दिया। इससे क्या हुआ? सरकारी स्कूलों की शानदार बिल्डिंग बनने लगी, स्कूलों के अंदर अच्छी लैब्स बनने लगी, स्कूलों के अंदर अच्छे कमरे बनने लगे, स्कूलों के अंदर अच्छे ऑडिटोरियम बनने लगे, स्कूलों में स्विमिंग पूल्स बनने लगे, स्कूलों की साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी होने लगी, स्कूलों की सिक्योरिटी अच्छी होने लगी, स्कूलों के अंदर टॉयलेट्स अच्छे हुए, स्कूलों के क्लासरूम्स के अंदर अच्छे डेस्क आने लगे, अच्छे ब्लैक बोर्ड्स आने लगे। एक तरह से पूरा जो सरकारी स्कूलों का ढांचा था जो कि हीन भावना से ग्रसित था, प्राइवेट स्कूलों के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, सरकारी स्कूलों के बच्चों के अंदर एक हीन भावना होती थी, जब सरकारी स्कूलों पे हमने 25% बजट खर्च करना चालू किया तो सरकारी स्कूलों का पूरा काया पलट होने लगा। दूसरा बड़ा परिवर्तन हमने किया कि अपने टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को बहुत बड़े स्तर के ऊपर हमने ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। हमने उन्हें कैम्ब्रिज भेजा, सिंगापुर भेजा, फिनलैंड भेजा, अमेरिका भेजा, कनाडा भेजा, आईएम लखनऊ भेजा, आईएम अहमदाबाद भेजा। हमारे ढेर सारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स वहाँ से ट्रेनिंग करके लौटे। हमने अपने बच्चों को फॉरेन भेजना चालू किया। हमने अपने बच्चों को केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के ओलंपियाड के लिए विदेशों में भेजा। हमारे बच्चों ने भारत का नेतृत्व किया और कई जगहों से हमारे दिल्ली के बच्चे मेडल जीत के लौटे।